अगर एक से चैतन्य चैतन्य ग्रंथ रह जाए
لم تضع الأرض في الرتاب والجيران. और वो ग्रंथ में कहते विशेष करके बहुत टॉपिक तो उसमें है, लेकिन इसमें पांच टॉपिक विशेष क्या क्या है, एक श्री सनातन शिक्षा, दूसरा श्री रूप शिक्षा, तीसरा श्री राय रामानंद संपादन, चौथा श्री रथ यात्रा, पंचमा श्री सार्वभौम भट्टाचार्य के साथ में महाप्रभु का जो डिस्कशन हुई, ये पांच विशेष टॉपिक उसमें एक तभी है श्री रूप शिक्षा। इसलिए श्रीमद् महाप्रभु रूप गोस्वामी को कहते हैं देख गुरु, ये जो भक्ति है ना ये एक अथाह समुद्र है जिसका कोई आर जिसका कोई पार नहीं, अथाह समुद्र ये भक्ति है रस। लेकिन उसमें मैं तेरे को एक केवल भूत चढ़वाऊंगा, लेकिन एक बूट केवल उसको चढ़वा, लेकिन उन्होंने तो बोले एक बूट चढ़वाएंगे उनके लिए तो एक बूट, लेकिन हमारे लिए अथाह समुद्र है, उनके लिए एक बूट लेकिन हमारे लिए बहुत। उदाहरण देते हैं, आप लोगों ने जब रसगुल्ला खाए, आप देवता जब रसगुल्ला खाते हैं कभी कभी पूरा अगर मुंह में भर दो कि दोनों साइड से कुछ रस टपक जाते हैं, लेकिन जब रस टपक किए हैं हमारे लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन जो चेती है ना उनके लिए बहुत। तब उसी तरह हम भी ऐसे चेटा चेटी हैं, महाप्रभु तो रूप गोस्वामी के लिए बहुत बताएंगे कि हमारे लिए बहुत परिचय बहुत परिचय। इसलिए श्री गुरुदेव ने श्री रूप शिक्षा के ऊपर के बड़े सुंदर क्लास में गुरुदेव कहते हैं कुछ लोगों का कहना है ये जीव कहाँ से आया, बोलिए बैकुंठ से आया, कहाँ से आए, हरे कृष्ण कहते जीव यदि ये बैकुंठ से आया है तो गुरुदेव कहते नहीं जीव बैकुंठ से नहीं आया। अगर जीव इतने कठोर साधन करते हुए अगर बैकुंठ से जाएगा फिर वो बैकुंठ से फिर गिर पड़े फिर इतने साधन भजन करने का क्या फल होगा, इतना साधन भजन क्यों करेगा, इतना कष्ट करके जीव जाएगा तो लोग वृंदावन फिर वहां से गिर जाएगा फिर ये साधन भजन करने का क्या फल। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन जग गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमः, कभी जहाँ जाने पर जीव कभी वहां से वापस नहीं आते। कृष्ण गीता ने स्वयं कहते तत् प्रसादात् परां शांति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। कृष्ण कहते हैं अर्जुन मेरी कृपा से ही जीव को परम शांति परम आनंद और परम धाम की प्राप्ति होती है। इसलिए कृष्ण कहते आप ब्रह्म भुवना लोकात् पुनरावृत्ति न होती, लेकिन जीव अगर साधन भजन करके अगर ब्रह्मलोक तक भी चले जाए लेकिन पुनः समाप्त होते फिर गिरता है, लेकिन जो केवल मेरे भजन करके मेरे पास में आते हैं तब अर्जुन उनका फिर जगत में पुनर्जन्म नहीं होता। कृष्ण खुद गीता कहते कभी जय विजय का जो पतन हो गया कोई प्रश्न कर गए जय विजय भी तो बैकुंठ से गिरे ना, यदि वो जो गिरे हैं वो ठाकुर की इच्छा से और भगवत लीला में मदद है, मदद करने के लिए मतलब भगवान को बताया अखिल रसांत मूर्ति, भगवान क्या सारे रसों का मूर्तिमान को भगवान, भगवान कर भगवान में बारह रस पांच गौण रस और सात पांच मुख्य रस और सात गौण रस, गौण रस में एक रस है पीर, एक रस है पीर रस है। भगवान देखे बैकुंठ में अनंत नाग पर सहेली जाऊंगा प्रसाद पाता हूँ और सोता रहता हूँ, लेकिन थोड़ी सी सब रस को तो मैंने आस्वादन किया लेकिन एक रस मैंने आस्वादन नहीं कर पाया, कौन सा रस है पीर रस। अभी कृष्ण सोच रहे हैं देखो लड़ाई करके तभी आनंद आएगा, हाथी अगर हाथी से टकराए
हाथी अगर चींटी को साथ में युद्ध करे आनंद थोड़ी आएगा। युद्ध करने में कब आनंद है? बराबर के साथ में कर लड़ो तभी तो आनंद आएगा ना। युद्ध करने का है बराबर के साथ में लड़ाई करो, चींटी को साथ में हाथी लड़ाई नहीं करता है। हाँ, इसलिए अभी भगवान की मन में इच्छा, इसलिए भगवत इच्छा से वहां पर श्री चतुष्क आते हैं। छह दरवाजा पार हो गए, जब सप्तम दरवाजा में पार होने जा रहे थे इतने में जय विजय का रास्ता पर हो गए। कहां जा रहे हो बिना पूछे? पता नहीं ठाकुर अभी कौन सा अवस्था में लक्ष्मी को साथ में क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, बिना पूछे तो अंदर घुसने जा रहे। जब ने रास्ता रोक दिए फिर तो चतुष्क को क्रोध आया, हमारी रास्ता को रोके अभिशाप देता हूँ या वृद्धों राक्षस जन्म देता हूँ। अभी तो रोने लग गए, ठाकुर जी वापस आए तो क्या बात बोले ऐसे ऐसे, तो देखो तो मेरी इच्छा है, तो मेरी इच्छा है। क्या इच्छा है? मेरी इच्छा है मैं ये वीर रस का आस्वादन करूं। अभी अभक्तों को साथ में मैं तो ये रस आस्वादन नहीं कर सकता हूँ, कहते भक्तों को साथ में आस्वादन कर सकता, इसलिए ये मेरी इच्छा है। इसलिए कोई चिंता मत करो, अगर तुम राक्षस बन कर के जाओगे ना तीन जन्मों बाद में आओगे, अगर भक्त बन कर के जाओगे तो सात जन्मों बाद में आओ। क्या करते हैं बोले प्रभु आप तो जल्दी जल्दी आना चाहते हो, जाओ राक्षस जन्म में जाओ। इसलिए ये जय विजय को उनके पहले जीवन में किस रूप में आए कौन बोले? हिरणा के हिरण्य का रूप। दूसरे जीवन में रावण कुंभकर्ण, तीसरे जन्म में बोलो चौथा जन्म में जगाई और माधव है, जगाई माधव बनकर के आए और महाप्रभु को प्रेम प्रदान किया है। इसलिए कहते उनको जो दिखाई पड़ता है वैकुंठ से पतन हुई ये भगवत इच्छा से और प्रभु को लीला को मदद करने भगवत इच्छा से। फिर उनको जो दुर्लभ वस्तु है महाप्रभु का जो परिकर बन कर के जगह माधा रूप में आए, कितनी बड़ी चीज महाप्रभु की होंगी। एक साथ में वैकुंठ में गए होंगे और एक साथ में महाप्रभु की लीला में गए होंगे। इसलिए कहते जीव का जीव कहाँ से आता है? बोले जीव तटस्थ शक्ति से आता है। कहाँ से आता है? जीव तटस्थ शक्ति से ही आता है। हाँ, तटस्थ शक्ति से। इसलिए कुछ ऐसे जीव है जैसे हम लोग हैं जो भगवान के रूप गुण लीला में आसक्ति नहीं, आकृष्ट नहीं हुए। हमने सोचा माया को हम भोग करें, माया को भोग एक तरफ में, माया जगत एक तरफ में, भगवान की जगत है। इसलिए बीच में जीव है, कभी इधर देखता है कभी इधर देखता है। एक तरफ में माया बुलाती एक तरफ में साधु बुलाती है और हम इधर देखते हैं कभी इधर देखते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं जिधर माया है भयंकर रूप है, हाँ प्रभु में करते हैं और जिधर साधु बुला रहे हैं मुसीदार और गोलोक वृंदावन में गए। लेकिन हम माया नहीं चला कर रहे, हम भगवान के तरफ में नहीं गए। इसलिए तो जो जीव है कहते श्री तटस्थ शक्ति से ये जीव आता है, हैं? और श्री कारणदेव साई विष्णु है, जो कारणदेव साई विष्णु से वहीं से जीव आए हैं। कुछ तो जो माया में आए जैसे हम लोग जैसे दुर्भाग्य आए, लेकिन कुछ लोग भगवान की भक्ति के तरफ में गए वो बड़े सौभाग्य हुए। लेकिन उनको ये पता नहीं एक माया जगत बोल करके कोई एक राज्य है, अभी उनको पता नहीं कोई माया जगत। हम जैसे संसार में जन्म मृत्यु दुख कष्ट जन्म जरा व्याधि आध्यात्मिक आदि दैवी आदि भक्ति, हम लोग संसार में इतने दुख कष्ट भोग कर रहे हैं, लेकिन जो व्यक्ति भगवान की भक्ति की तरफ में चले गए ना उनको पता भी नहीं ऐसे बोल करके एक माया जगत है जिसमें हम संसार में दुख कष्ट में जाते हैं। कुछ पता है वो तो ठाकुर का नित्य सेवा में, वो पूरा नित्य सेवा में ठाकुर की नित्य सेवा में संतुष्ट हो गए,
सभा में एकदम डूबे हुए, हमें कुछ पता भी नहीं, माया संसार बोल के पूरी गिरा दीजिए। इसलिए जीव यदि तटस्थ शक्ति से जीव इस माया संसार में जीव आए, इसलिए महाप्रभु इसलिए कहते हैं देखो, तो जो जीव आए हैं वो जीव के अंदर में जैसे धूल कणा को हम कभी नहीं गिर सकते, उसी तरह जो जीव है ना, ये जीव को भी कोई गिर नहीं सकते, क्योंकि जीव नहीं है। लेकिन उसके अंदर में जो ये मानव शरीर है, बात और सब जिसको गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं तेत की स्थिति हेतु समझी, भगवान राम समझा रहे हैं अयोध्या वासियों को, बड़ी भाग मानुष तन पावा सोर दुर्लभ सद ग्रंथ तन गावा। लिखते हैं बड़ी भाग मानुष तन पावा, यदि ये बड़े भाग्य ये मानव शरीर मिला है, हैं प्रत्येक चीज से भिन्न है कुछ नहीं। अगर कोई बोले नहीं हमने कोई अच्छा कर्म किया है, बढ़िया कर्म किया इसलिए मानव शरीर मिला है, भगवान कहते हैं देत इस और ईश्वर ने जो दिया है बिनो है तो सनेही, बिना कारण के स्नेह करके ये मानव शरीर भगवान ने प्रदान किया, बिना कारण, क्योंकि अब एक ग्लास पानी हो, एक ग्लास पानी को अंदर में देखो कितने बैक्टीरिया उसमें, कितने बैक्टीरिया एक ग्लास पानी को अंदर में, पृथ्वी में इतने इंसान मिले हुए, इतना इंसान जो एक ग्लास पानी को अंदर, उसी हिसाब से इंसान और कुछ बढ़ता है, कुछ भी नहीं इंसान। इसलिए तो बड़े भाग्य से ये मानव शरीर के नागुर जी हमें प्रदान किया, ये मानव शरीर बड़े भाग्य से ये मानव शरीर मिला, लेकिन ये मानव शरीर तो दिया है कुछ ऐसे, कुछ लोग हैं जो कि जंगली जानवर जैसे रहते हैं, कुछ ऐसे लोग जंगल में बिना पहने हुए कपड़े वगड़े और नंगे पगे रहते, कोई सर्वधर्म चाहिए जानवर मार कुटे खाते ही जानवर जैसे जी बिता कर, उसके अंदर से कुछ लोग सभ्यता में आते हैं, जो सभ्यता में आ गए हैं ऐसे कुछ लोग हैं सभ्य लोग हैं, तथा शास्त्र ग्रंथों को तो मानते हैं वेद को तो मानते हैं, लेकिन केवल मुंह से मानते हैं, लेकिन अपना काम में कुछ भी नहीं करते, केवल मुंह मानते हैं शास्त्र ग्रंथ ही नहीं, लेकिन जो मुंह से मानने वाले शास्त्र ग्रंथ को उसमें अक्सर करके जो जीव है जिनकी कर्म में निष्ठा है, कर्म को करते हैं ना, अरे कर्म को कर्म कर्म को करो, क्या हरिनाम करते हो, क्या भजन करते हो, भक्ति करते हो, दुखी दर्द को सेवा करो, स्कूल कॉलेज खोलो, दान पुण्य करो, ये करो, कर्म करो, कर्म करो, लोग ना कर्म करो, कर्म करो, इसमें बहुत लोगों का इसमें निष्ठा कर्म में जिनकी बड़ी निष्ठा है, भक्ति भक्ति से जिनकी निष्ठा नहीं है, जो कर्म में जो निष्ठा है उसकी अंतर में बड़ी सौभाग्यवान व्यक्ति को ये ज्ञान मार्ग में ही प्रवेश होता है। ऐसे जो करोड़ों ज्ञानी है, फिर जो करोड़ों ज्ञानी है वो करोड़ों ज्ञानियों में कोई एक विरल व्यक्ति होते नहीं जो भगवान की भक्ति में आते, राघव जी की भक्ति को प्रति इनको विश्वास, इसलिए कृष्ण गीता में कहते ना बहुनाम जन्म नामान फिर ज्ञान बानव माम प्रपत्ति वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, कृष्ण कहते अर्जुन है, इसलिए करोड़ों ज्ञानियों में कोई एक विरल जो साधु होते हैं जो मेरी भक्ति तरफ में आते हैं, लेकिन जो भक्ति तरफ में आने वालों इसमें तो बहुत जगह नहीं, बल्कि आप गुरुदेव कहते हैं ऐसे कुछ लोग हैं जिसको नारायण भक्ति में रुचि है, जो लोग नारायण भक्ति करते हैं, लेकिन नारायण भक्ति में भी बड़े दुर्लभ व्यक्ति जिनको राम भक्ति में रुचि है, जिनको राम भक्ति में रुचि, कहते राम भक्ति में जिनको रुचि, कोई दुर्लभ व्यक्ति जिनको कृष्ण भक्ति में रुचि होता है, लेकिन कृष्ण भक्ति में रुचि होने पर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि द्वारकाधीश भगवान कृष्ण को पूजा करते हैं, ऐसे कुछ भक्त लोग हैं जो द्वारकाधीश जैसे नेपाल के संप्रदाय में देखोगे
विष्णु स्वामी संप्रदाय कहीं कृष्णिंदम, कहीं नृसिंह लक्ष्मी नृसिंदम, कहीं रुक्मिणी कृष्ण के प्रति रुक्मिणी। तब ऐसे जो कृष्ण रुक्मिणी उसमें दुर्लभ व्यक्ति है जो सिर्फ मथुरे से कृष्ण का प्रति रुचि है, लेकिन जो मथुरे से कृष्ण का प्रति रुचि है गुरुदेव कहते हैं उसमें भी जो ब्रजेंद्र नंदन जो कृष्ण है ये कृष्ण का प्रति जो रुचि बड़े सौभाग्यवान व्यक्ति को ये ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर का प्रति रुचि। तो गुरुदेव कहते हैं इनके इनमें कारण है जो वृंदावन कृष्ण को बिल्कुल कुछ ऐसे भक्त जो दास्य रस जो कृष्ण का जो दास्य रस मुझे जो रुचि है यथा कृष्ण का सतावे कृष्ण के साथ खेलेंगे कुछ भी भैया चलाएंगे हमारे मंदिर में ब्रह्म जाए बोले भैया हमें तो अच्छा लगता है कृष्ण के साथ खेलना कूदना। ये गोपी दिन भर रोती रहती है गोपियाँ रोती रहती हैं और ये गोपियाँ बढ़िया बढ़िया खाना बनाती तो खाते सरकार को खाते हैं इसलिए हम हमको ये गोपी हम कृष्ण का सत्ता होंगे कृष्ण के साथ खेलेंगे कूदेंगे खाएंगे हमको ये। लेकिन उनके अंदर में जो सौभाग्यवान व्यक्ति सत्य रस में इसको वात्सल्य रस में कृष्ण की मैया जसोदा के अनुगत्य में कृष्ण को अपना लाला मान करके उनकी भक्ति करते हैं। गुरुदेव कहते हैं उनमें भी जो दुर्लभवान व्यक्ति है खैर भगवान की जो मधुर रस में जिनकी प्रवेश जिनको गोपियों की गोपियों की खड़े कर गुरुदेव उसमें कुछ संपत्ति और कुछ विपक्ष का कुछ तटस्थ है कुछ राधा रानी पक्ष वाले कुछ विपक्ष है कृष्ण पक्ष में और कुछ तटस्थ है जो कृष्ण राधा दोनों को प्रेम करते हैं लेकिन उसमें कुछ सत्या और कुछ परिज्ञा है। कभी ये सत्या और परिज्ञा में परिज्ञा मुझे जो ये लेकिन राधा रानी की अनुगत्य में है राधा जी की अनुगत्य में भक्ति करने वाले व्यक्ति भाव बड़े दुर्लभ इसलिए जिसको श्री चैतन्य महाप्रभु ब्रह्मा का एक दिन में एक बार आकर के बोलो प्रेम को प्रदान कर ठीक है एक बार हाथ का बोलो बोला हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे बोला हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए ये भक्ति बड़ा दुर्लभ है। गुरुदेव कहते हैं अभी प्रश्न है फिर ये जो दुर्लभ प्रेम है राधा जी की अनुगत्य लेकिन अभी ये जीव उसको प्राप्त कैसे करे तो जीव उसको प्राप्त कैसे करे तो गुरुदेव कहते हैं ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए ऐसे ब्रह्मांड कृष्ण को भूल करके हम अनादि काल से ये संसार चक्र में हम खड़े रहे संसार चक्र में 84 लाख के जन्म में हम भटक रहे हैं। इसलिए ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान कौन मतलब किसी भाग्यवान व्यक्ति कहते भैया कौन जो भाग्यवान है वो भाग्यवान कौन है जो कि गुरु कृष्ण के संपर्क में आए ऐसे कौन सा वो भाग्यवान व्यक्ति है तो प्रभुपाद कहते हैं जो पूर्व पूर्व जन्म में जिन्होंने भक्ति उन्मुख सुकृत जिनको भक्ति उन्मुख सुकृत जिनको प्राप्त हुआ है भक्ति उन्मुख सुकृत मतलब क्या है जो गुरु वैष्णव ठाकुर जी धाम कहते पाप पुण्य नष्ट हो जाता है सर्व जो पाप पुण्य जो ना नष्ट हो जाती है पाप करोगे नर्क जाओगे पुण्य जाओगे वैकुंठ जाओगे स्वर्ग जाओगे खत्म हो गया अंतर जगत का। लेकिन जो भक्ति उन्मुख सुकृति है ये बड़ा महत्वपूर्ण और विशेष करके महाप्रभु का लाइन से जो आते हैं ना जो बड़े श्रद्धा इनका जो भक्ति उन्मुख सुकृति वो साधारण नहीं इनकी स्पेशल सुकृति है। इसलिए जान अनजान में जैसे धाम में आए हरिकथा सुने कीर्तन सुने
कहीं ठाकुर जी की प्रसाद, ठाकुर जी का कहीं प्रसाद मिल गया, कहीं तुलसी परिक्रमा हो रही, तुलसी परिक्रमा कर लिए, कहीं भक्त लोग कीर्तन करते करते जा रहे थे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए भक्त लोग जा रहे हैं, उनको साथ में कीर्तन की आवाज गाने में पड़ा, उनको साथ में कीर्तन करते करते गए। इसलिए कभी जो भक्ति उनको सुधर सी जान और अनजान में कहीं ना कहीं हमें प्राप्त हो रहे। इसलिए गुरुदेव एक समय कथा स्नान करते थे, कोई एक बुरी माता थी, कोई एक साधु था, वो रोज किसी गांव में भिक्षा करने जाते थे, लेकिन सभी गांव में लोग उतना कुछ देते थे साधु को, लेकिन एक बुरी माता थी, बड़ी परदेशी, एक पैसा कभी नहीं निकालती थी, है? अगर कोई साधु सबका आए ना साली देते थे, गाली के सर में लगता है, भीख मांगने के लिए भाग जाए यहाँ से, वो गाली वाला जो करते थे, लेकिन वो साधु बड़े दयालु, एक थी पहले पहले क्या करते थे, मिट्टी और गोबर से घर पोता करते थे, पहले सीमेंट नहीं होता था, घर को पोता लगा रहे थे, पोता लगाते लगाते इतने में वो पोता लगा रहे थे सवेरे सवेरे, एक साधु आ गया, बोले माता जी कुछ भिक्षा दो, बोले दारी के सवेरे सवेरे आ गया, मुंह दिखाने के लिए शर्म नहीं लगता है, बोले भिक्षा लो ले लो, वो जो कपड़ा था ना जिसमें मिट्टी गोबर था और उठाया और मारे उसको, लेकिन जब मारे लेकिन साधु वो बड़े दयालु थे, बोले अभी तक तो कुछ ही नहीं दे रहे थे लेकिन आज कुछ तो दे दिया, इसलिए वो कपड़े को ली अच्छे तरह से, उसको पानी में भाग कर अच्छे तरह से धोए धो धा करके उसको सुखाया और उसको बहती बनाई और शाम को घी में डुबाए और डुबो कर ठाकुर जी को जय जय राधा कृष्ण जुगल मिलाना आरती करे ललिता जी सखी मदन मोहन रूप त्रिभक सुंदर पिता पर सिटी पुत्र सुर मन ठाकुर जी ने आरती दिखाया, लेकिन वो थी किसकी, भोली माता की, वो माता जी थी ना, लेकिन अभी जब वो ठाकुर के सेवा में लग गया उसका हृदय अपने आप बदल गया, हृदय अपने आप क्योंकि का वस्तु ठाकुर का सेवा में लगा, हृदय अपने आप बदल गया, फिर सोचने लगे भाई जी साधु बाबा कितने अच्छे थे, भिक्षा मांगने आते तो मुझे दिया ही नहीं और हमने गोबर और मिट्टी से पोते हुए कपड़े को हमने फेंक करके मार, अगर साधु बाबा आएंगे ना कल उनको थोड़ा भिक्षा दूंगा, साधु तो काम फिर हो जाते, लेकिन जब दूसरे दिन साधु बाबा आए रोज तो गाली देते थे, लेकिन उसी दिन बोले साधु बाबा हमारे घर में भी आए हो, आज भी उसको क्या हो गया, इधर गाली देते थे लेकिन आज ये घर में कैसे बुला लिए, जब साधु आए तब उनको बैठाया, उनको जो भिक्षा दिया पानी पिलाया, फिर वो साधु ने जो दिया हुआ वस्तु को लेकर तो उन्होंने भगवान की सेवा में ले लगाए, तो अपने आप सुपुत्र कर लिया, साधु लोग प्रति आकृष्ट हो गए भगवान की भजन। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं बोले कौन भाग्यवान है, लोग व्यक्ति कौन है जो कि गुरु वैष्णव की संपर्क में आते हैं, बड़े जो पूर्व जन्म में इसकी बहुत भक्ति पूर्वक सुपुत्र बने पर क्या होता है, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता भी, फिर गुरु और कृष्ण कृपा से हमने उदाहरण दिया जो भक्ति एक लता, भक्ति एक लता, लेकिन लता तभी होगा जब उसके पहले बीज हो, बीज बगैर तो लता होती नहीं ना, पहले तो बीज हो तब तो लता होती, लेकिन वो बीज कहाँ से मिलती है, गुरु और कृष्ण कृपा से,
यहाँ प्रश्न करते हैं, भैया गुरुदेव तो हमें अपना मंत्र दिया, गुरुदेव ने हमें मंत्र दिया, लेकिन यहाँ पर कृष्ण फिर नाम कृष्ण क्या है? कृष्ण में यहाँ पर जो सदगुरु तक जो हम जो लाए, लाया किसने? ठाकुर जी। हम क्यों इस संप्रदाय में आए? हमने भक्ति वेदांत नारायण महाराज के पास में किया है और कहीं क्यों नहीं गए? तो यहाँ पर हमें लाया कौन? ठाकुर जी। हमें ठाकुर जी लाया क्योंकि हमारी पूर्व पूर्व जन्मों का जैसे जैसे सुकृति हो गया ना, वो सुकृति के अनुरूप हमें भगवत शिक्षा से हमें वैसे ही साधु संत मिलेगा, वैसे ही साधु का संत मिलेगा। सब कुछ कराने वाले कौन? ठाकुर जी हैं। ठाकुर जी ही हमें सदमार्ग पर लाए। इसलिए बोले गुरु कृष्ण प्रसाद में पाए भक्ति लता मुक्ति। तो भक्ति रूपी लता का बीज गुरु और कृष्ण के पास से प्राप्त हुआ। फिर गुरुदेव यहाँ पर कहते हैं, भैया कहते गुरु की कृपा जो मिलता है, ये जो भक्ति लता बीज है क्या जी? कभी ये श्रद्धा, भक्ति लता बीज का जो है ये श्रद्धा है। ये श्रद्धा से आदोष होता तब तो साधु संघ और भजन किया, धीरे धीरे वो श्रद्धा से धीरे 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 आगे बढ़ती है। लेकिन ये श्रद्धा कहाँ से आती है? बोले गुरु जी की कृपा से। इसलिए श्री जीव गोस्वामी उदाहरण के साथ समझाते हैं। श्री जीव गोस्वामी कहते हैं जो देखो ऐसे कुछ वृक्ष है जो वृक्ष का बीज को अगर डायरेक्ट वृक्ष से लेकर के बो दे वो वृक्ष नहीं होता। कौन सा वृक्ष है? कौन सा पिंपल और बरगद है। बरगद और पिंपल का जो बीज है अगर डायरेक्ट आप पेड़ से लेकर बो दो ना इतना तो नहीं होगा। अरे उसका नियम क्या हमने नियम है? उसको कोई चिड़िया खाए, अगर वो चिड़िया जब पीट करता है उसका पेट में ऐसे कुछ रस है जो उसको मंद करता है, फिर क्या करके वो वृक्ष होता है। इतना ही होगा। अब देखना एक वृक्ष होने के लिए तीन चीज की जरूरत है, मिट्टी चाहिए, हवा चाहिए, पानी चाहिए, तभी होगा। लेकिन आप देखना बरगद पीपल का पेड़ जहाँ मिट्टी नहीं है, जहाँ पानी नहीं है ना, चंद्र हो जाता है सीमेंट वहां पर कुछ है नहीं। और ऐसे जो जबरदस्ती पेड़ होता है अगर तो पेड़ आपको खा तो फिर दोबारा पेड़ हो जाएगा। और कभी कभी जितने जोर जबरदस्ती पेड़ होता है वो छत को फाड़ देता है, जितने छत को वो फाड़ देता है छत को। बुझ रहे कि नहीं? इसलिए कभी कभी इसको फाड़ देता है। इसका मतलब क्या? मतलब है जब हम शुद्ध साधु की कृपा हो, भले ही हमारे हृदय में कोई रस नहीं, हृदय सूखा है, लेकिन ये शुष्क हृदय में भी ना जो भक्त संघ की जितने महिमा वो सूखा हृदय में भी भक्ति की भाव संचार कर देते। जैसे नारद जी श्री वाल्मीकि हैं, ये पहले दशरथ रत्नाकर था, लेकिन इनकी कृपा हो गई तो बात इतना पाप, इतने पाप उसने किया था, बोले राम, बोला राम, उसको मुझसे राम नाम नहीं दिया, इतना उसने पाप किया था। मृत्यु बोलता था मारो मारो, बोले हाँ, बोले बरा बरा तो बोल सकते हैं, इसलिए बरा बरा करते करते राम राम हो गया। और दशरथ रत्नाकर से बात भी हो गई और रामायण ग्रंथ हो गई। इतने साधु संत इतने महिमा, नाग जिससे मिले जो जानवर को मारता था तीर से मारता था, और अधवरा होकर जो छटपट छटपट चलता था, तो इतने भयंकर व्यक्ति था, इतने भयंकर बोले मैं गुरु पिता ने सिखाया पूरा मारने से ना आनंद नहीं था। जब वो छटपट छटपट करता खुद खुश होता, जब वो इतने खुश थे दूसरे को दुख में भी उसका आनंद आता था। लेकिन ऐसे जो व्यक्ति दुष्ट व्यक्ति नारद की कृपा हो गया था साधु करेंगे। इसलिए यहाँ पर कहते हैं शुष्क हृदय में भी भगवत भक्ति की जो संचार है कहीं साधु कर। इसलिए मेरे गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता दिए। तो गुरुदेव कहते जो भक्ति लता जो बीज है क्या चीज है? तो श्रद्धा है। तो भक्ति कैसे होनी चाहिए? मतलब अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मार्थ अनाभिसम
ఆత్మకుల్యేన కృష్ణానుశీలనం ఈ ఉత్తమ భక్తి హై ఇస్మే ఇసి తరహ కా కోయి అభిలాషా కోయి అభిలాషా నహీ హో హై జ్ఞాన కర్మ కి అనాత్మ జ్ఞాన కర్మ ఉదర ధక్కి నహీ చాహి హై ఆత్మకుల్యేన కృష్ణానుశీలనం జో కామ్ కర్నే సే భగవాన్ ప్రసన్న హోతే హై ప్రసన్న హోతే హై ऐसे जो भक्ति है बोले कृष्णा को सिलाना फिर वो अनुशीलन किसके लिए होनी चाहिए बोले राम का प्रति भक्ति तो भक्ति नारायण का प्रति भक्ति भक्ति कृष्ण का भक्ति भक्ति है लेकिन उत्तम भक्ति नहीं उत्तम भक्ति कैसे होगी बोले कृष्णा नो सिलाना भक्ति किसको करके होनी चाहिए वो भक्ति कृष्ण के लिए होनी चाहिए लेकिन यहाँ पे एक अच्छी बात होता है बोले कृष्ण केवल कृष्ण के प्रति भक्ति भी उत्तम भक्ति नहीं है कृष्ण का प्रति भक्ति भी उतना भक्ति नहीं है बोले किसको प्रति बोले कृष्णा क्या है कृष्णा कृष्ण नहीं कृष्णा कृष्णा कौन है राधा रानी बोले श्री राधा रानी की बोले श्री राधा रानी की जय भक्ति अगर राधा रानी की अनुगत्य में अगर भक्ति हो ना तो भक्ति को सर्वश्रेष्ठ भक्ति कहते हैं कृष्णा मुस्कुराना भक्ति रूपमा तभी उत्तम भक्ति होएगी नहीं तो उत्तम भक्ति नहीं होएगी है इसलिए तब इसी श्लोक के ऊपर में टीका तो उसने टीका लिखते हैं इसने टीका लिखते हैं बड़े टीका लिखते हैं और गुरुदेव उसने कहते हैं ना एक अच्छी गुरुदेव कहते भैया कहते गुरु कृष्ण प्रसाद भाई भक्ति लता भी गुरु और कृष्ण के पास मिलते हैं इनकी से रूप गोस्वामी कहते हैं हर जीव के अंदर में एक सिद्ध भाव अलरेडी है जीव के अंदर में एक भाव अलरेडी विद्यमान है इसलिए गुरुदेव का अर्थ लेते हैं जैसे गंगा किनारा है वहाँ पर अलग अलग बीज बोलो कटहल की बीज की आम की बीज बोलो लेकिन उसमें पानी दो अब लेना पानी तो एक ही पानी देंगे लेकिन जब प्रिंट होगा ना तो नीम बीज से नीम प्रिंट निकलेगा आम गुटली से आम ही प्रिंट निकलेगा और नीम श्री कटहल का बीज से कटहल बीज निकलेगा कटहल का बीज से आम का बीज नहीं निकलेगा जो बीज होगा वही प्रिंट निकलेगा और दूसरे प्रिंट नहीं निकलेगा फिर उसी तरह तो जीव का हृदय में अलरेडी पहले से एक भाव विद्यमान है लेकिन जब श्रवण कीर्तन में चले करे सचन जब हम श्रवण कीर्तन रूपी जल को तरह से सिंचन करते हैं फिर क्या होता है तो जो हमारे नित्य सिद्ध जो भाव है अब जिसका अंदर में जो रस है वो वही रस इसलिए गुरुदेव और एक बात कहते हैं अगर तीर्थ है अगर उसमें अगर पानी अगर नमकीन पानी करो तो क्या होता है फिर तो बनी जाए फिर तो होगा अगर उसमें मीठा पानी तो होगा तो फिर क्या होगा फिर बढ़िया होगा जैसे गुरुदेव कहते हैं अगर उसमें थोड़ी सी मिश्री थोड़ी सी कपूर थोड़ी सी नींबू डाल दो तो और बढ़िया हो जाएगा इसलिए गुरुदेव कहते हैं कहते गुरुदेव उदाहरण अगर हमने अगर ऐसे रसी के भक्तों का इसलिए बताया ना कृष्ण रस भाविता पति प्रियता कुत्ता भी जल्दी लगते थे अगर भगवत इच्छा से हमें ऐसे रसिक भक्त मिल जाए जिनका मति राधा कृष्ण प्रेम रस में संपूर्ण सराबर हुआ है अगर ऐसे भक्त का सत्ता अगर मिल जाए ना ऐसे रसिक भक्त का कुछ संभव है ना जैसे 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 नारायण भक्त का कथा सुनोगे नारायण में रुचि होगा अगर नरसिंह देव का कथा सुनोगे रुचि होगा अगर राम की कथा सुनेंगे राम का प्रति रुचि होगी अगर जो केवल कृष्ण पूजा करते हैं केवल उनको प्रतिशत उनको प्रति रुचि होगी लेकिन जो राधा कृष्ण की भक्ति करते हैं फिर सिमरन महाप्रभु की अनुगत्य में जो राधा कृष्ण भक्ति करते थे बड़ी तो नाम में लंबी लगे फिर वो तो अगर ऐसे अगर हमें भक्त का संग मिलता है फिर भैया फिर तुम्हारे मार फिर तुम्हारा ही मार इसलिए अगर ऐसे अगर भक्त का संग होगा तो जो अंकुर होगा ना वो विशेष अंकुर होगा उसे जो जो पता होगा विशेष जो पता होगी उसको जो टेन किया फिर वो पहले क्या पहले ब्रह्मांड को ग्रहण करेगा
लेकिन भेद करने का मतलब क्या, ये सब लोग गोपाल मंत्र जप करते हैं, राधा की काम गायत्री उसका आराध्य राधा कृष्ण ही, इसलिए उसका कोई आश्रय नहीं ब्रह्मा के, जो ब्रह्मा को पार कर जाता है फिर ब्रह्म लोग को पार करता, क्योंकि उसमें तो राधा कृष्ण के प्रेम से पार करता, उसको पार करता, उसको आश्रय देने वाला कुछ नहीं, फिर उसको पार करते हुए वैकुंठ जाएगा, फिर अयोध्या जाएगा, फिर मथुरा में वृंदावन, अगर महाप्रभु के आनुगत्य होगा फिर स्वर्ग में वो लंका कहाँ तो स्वर्ग भी जाएंगे, फिर महाप्रभु का चरणों का आश्रय करते हुए सुंदर सुंदर फलाए, इसमें घुटली भी नहीं, इसमें चिंता भी नहीं, जिसमें केवल रसी रहता है, फिर बैठ करके फिर खाते रहो, फिर उसको खाते रहो, फिर आनंद लुटते रहो, फिर इसमें आनंद लुटते रहो, इसलिए गुरुदेव इसको ऊपर में बहुत बहुत रखा गया, अब मेरे कहीं जाना है, मेरे को लेने के लिए आगे मैं जा रहा हूँ, होगा तो शाम को सुन लेंगे, ठीक है, हरी हरी।